नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिलियन टेक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इन्फो एज कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। इस कंपनी को आप naukri.com या फिर इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं, या फिर आपका अगर इंटरव्यू इस कंपनी में प्लान हुआ है और आप जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसकी फाइनेंशियल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इसकी बेसिक डिटेल्स, साथ ही साथ हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी की शुरुआत किसने की, कौन है फाउंडर और इसके की मैनेजमेंट पर्सनल कौन कौन है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी ने जब से शुरुआत किया तो इसमें की इवेंट्स क्या क्या रहे, साथ ही साथ कंपनी ने और किन किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी के ऑफिसेज हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर हैं, लगभग कितने एम्प्लॉयज कंपनी के साथ काम करते हैं, कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्थ कितना है, साथ ही साथ शेयर मार्केट में कंपनी ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है और कंपनी CSR क्या एक्टिविटीज़ करती है, और भी ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम अपने कंटेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स के साथ। इन्फो एज जो कंपनी है वो प्योरली प्योर प्ले इंटरनेट कंपनी है। प्योर प्ले मतलब कंपनी टोटली इंटरनेट बेस्ड वर्क करती है। कंपनी ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी रिक्रूटमेंट सेक्टर, मैट्रिमोनी सेक्टर, रियल एस्टेट, एजुकेशन और इससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल naukri.com के जरिए जॉब्स के सेक्टर में डील करती है। लगभग 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी ने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ jeevansathi.com, 99acre.com, शिक्षा.com के जरिए कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर, ऑनलाइन मैच मेकिंग और एजुकेशन सेक्टर में भी डील करती है। कंपनी लगभग 31 और भी डिफरेंट छोटी कंपनीज है जिनके अंदर कंपनी ने स्टेक लिया हुआ है, लाइक जोमेटो, पॉलिसी बाजार और ustra.com। इन कंपनीज के अंदर कंपनी ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया था जब ये कंपनी अपने शुरुआती दौर में थी, और इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए इन्फो एज ने इनके अंदर लगभग 15%, 12% और 30% स्टेक लिया। साथ ही साथ इन्फो एज वेंचर के नाम से भी एक सब्सिडरी लॉन्च की जो कि छोटी ग्रोइंग कंपनी को शुरुआती दौर में पहचानती है और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी की जो दोस्तों शुरुआत हुई थी वो 1995 1 मई को हुई थी। कंपनी के जो फाउंडर हैं संजीव भिकचंदानी जी, उन्होंने आज से लगभग 27 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी प्योर इंटरनेट बेस्ड थी। इनका जो विज़न था वो काफ़ी लॉन्ग था। संजीव जी ने उस समय इंडिया के अंदर इंटरनेट का ग्रोथ पोटेंशियल देखा और एक कंपनी लॉन्च की naukri.com, और ये आज जानते ही हैं कितने सक्सेस पर पहुँच चुकी है। साथ ही साथ नवंबर 2006 के अंदर कंपनी ने शेयर मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की। उससे पहले ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी और शेयर में लिस्ट होने के बाद ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई। कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो naukri.com के साथ हुई थी, लेकिन आज के समय में ये कंपनी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में फैली हुई है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, ये रिक्रूटमेंट सेक्टर, मैट्रिमोनी, रियल एस्टेट, एजुकेशन और इसके साथ डिफरेंट जो भी सर्विसेज हैं वो सभी प्रोवाइड करती है। कंपनी की जो शुरुआत की थी वो संजीव भिकचंदानी जी ने 1995 में की थी, जो कि इस समय कंपनी के फाउंडर, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी हैं। अदर की मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हितेश ओबरॉय, जिन्होंने ईयर 2000 में कंपनी को ज्वाइन किया, वो प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भी हैं। कपिल कपूर, जिन्होंने कंपनी को 2013 के अंदर ज्वाइन किया, वो कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। चिंतन ठक्कर, 2014 के अंदर इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, ये कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भी हैं। अदर की मेंबर्स के बारे में जानकारी दोस्तों आपको इस पेज पर मिल जाएगी। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके डिफरेंट की मेंबर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम कंपनी के वर्क डिटेल्स के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। कंपनी रिक्रूटमेंट सेक्टर में डील करती है Naukri.com के जरिए। कंपनी लगभग 80% से ज़्यादा इंडिया के अंदर मार्केट शेयर को होल्ड करती है। साथ ही साथ मिडल ईस्ट मार्केट के लिए Naukri.gulf.com बनाई हुई है और ऑफलाइन एग्जीक्यूटिव सर्च के लिए Quadrangle Search.com और फ्रेशर्स की हायरिंग के लिए FirstNaukri.com कंपनी ने स्पेशली डिजाइन की हुई है। साथ ही साथ कंपनी जॉब से रिलेटेड कंपनीज को और कैंडिडेट्स को दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक रिज्यूम राइटिंग और कैंडिडेट सर्च। JeevanSathi.com के जरिए कंपनी मैट्रिमोनी सेक्टर में इंडिया की top 3 कंपनीज के अंदर शामिल है। 99acre.com जो कि एक ऑनलाइन रियल एस्टेट क्लासिफाइड है, यहाँ पर इंडिया की लार्जेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर इंडिया के लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजेंट्स और डेवलपर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कंपनी को बहुत ही अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में कंपनी Shiksha.com के जरिए जुड़ी हुई है, जहाँ पर कंपनी स्टूडेंट्स को स्मार्ट गेटवे प्रोवाइड करती है। अपने स्कूल, कॉलेज, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज और डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट करने और उनके बारे में जानकारी के लिए। इन्फो एज वेंचर जो कि सब्सिडरी है इन्फो एज की, ये डील करती है स्पेशली उन कंपनीज को सर्च करना और उन छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो कि काफ़ी बड़ा पोटेंशियल रखती है फ्यूचर के अंदर, जिससे कि अभी तक कंपनी ने लगभग 31 ऐसी छोटे स्टार्टअप्स और कंपनीज है जहाँ की इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है उनके अंदर और वो डेवलप होता जा रहा है और कंपनी को अपने ग्रोथ में और उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। कंपनी का अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं तो ये 2020 तक कंपनी लगभग 31 छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। Zomato, पॉलिसी बाजार और उस तरह तो अब काफ़ी बड़ी कंपनीज में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। इन्होंने इन कंपनीज के अंदर तब इन्वेस्टमेंट किया था जब ये कंपनी अपने शुरुआती दौर में थी। साथ ही साथ कंपनी ने कुछ कंपनीज लगभग जैसे कि नो पेपर फॉर्म, इसमें 48% स्टेक, वेराइटी में लगभग 40% स्टेक, ग्रामोफोन में लगभग 32% स्टेक, शुई कनेक्ट में लगभग 28%, प्रिंटो में लगभग 25%, मेडकोर्ट्स लगभग 15%, शॉप किराना 25%, अड्डा.com लगभग 16% और सिप्सी जो कि एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है इसमें 20% का स्टेक रखती है। लेजीक्वेस्ट, ग्रे HR, टील, कोडिंग निंजा, इन सभी कंपनीज के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बनाई हुई है और ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही हैं। 31 कंपनी जिनका डिटेल्स हम आपको सब वीडियो में शेयर नहीं कर सकते, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं। दोस्तों अब हम आपके साथ कंपनी के कुछ क्विक फैक्ट्स और माइलस्टोन शेयर करने वाले हैं। 1995 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई। 1997 के अंदर कंपनी ने Naukri.com लॉन्च कर दी थी। 1999 के अंदर कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई और ईयर 2000 के अंदर ICICI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लगभग 73 मिलियन रुपीस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। सन 2000 नवंबर के अंदर कंपनी ने Quadrangle बिजनेस का एक्विजिशन किया और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया जब सन 2002 आया। 2003 के अंदर कंपनी ने टेलीविज़न पर एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया था। JeevanSathi.com 2004 के अंदर इनकी 100% ओनरशिप हो गई। 2005 के अंदर कंपनी ने 99acre.com लॉन्च किया। ऐसे ही 2006 के अंदर कंपनी ने काफ़ी सारी डिफरेंट LLC करार किया, एक्विजिशन भी किया। 2006 जुलाई के अंदर कंपनी ने Naukri.gulf.com लॉन्च की, जो कि गल्फ एरिया में नौकरी के लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल था। 2006 के अंदर नवंबर में ही कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 2007 के अंदर कंपनी ने StudyPlaces.com का एक्विजिशन किया। 2008 मई के अंदर कंपनी ने Shiksha.com लॉन्च की। 2008 सितंबर में कंपनी ने पॉलिसी बाजार का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को एक्विजिशन किया। FirstNaukri.com 2009 के अंदर और Zomato जुलाई 2010 के अंदर। फ्लॉस्ट और 99labels और माइडाला इनमें भी 2011 में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही साथ 2012 में कैनवेरा, 2012 अक्टूबर में भी हैप्पीली अनमैरिड जिसे आप Ustra.com के नाम से जानते हैं, वैकेशन लैब को 2015 और 2015 में ही बिग स्टाइलिस्ट और ब्लू डॉल्फिन में भी इन्वेस्टमेंट किया। और भी डिफरेंट कंपनीज जिसके अंदर
InfoEdge ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डिटेल्स हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। वहाँ पर एक लिंक अवेलेबल है जिससे कि आप कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी में कितने कितने ऑफिसेज हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, और कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ काम करते हैं। इस समय इंडिया के अंदर 62 ऑफिसेज हैं और 43 सिटीज़ में थ्रू आउट इंडिया कंपनी काम कर रही है, और लगभग 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस में है, और कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा सेक्टर 132 उत्तर प्रदेश में है। अब हम कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कंपनी का जो रिवेन्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ जो डिटेल्स है वो करोड़ के अंदर दिखाई हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो भी रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, एक्सेप्ट 2020 के अंदर जब कोविड इंडिया में फैला हुआ था। साथ ही साथ आप नेटवर्क देखते हैं तो वो भी रेगुलरली ग्रो कर रही है, जिससे कि पता लगता है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। इसका जो रिवेन्यू मॉडल है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी ने 2006 के अंदर शेयर मार्केट में एंट्री की थी। उसके बाद लगभग हर साल कंपनी ने 32% की ग्रोथ रेट दी है, जो कि अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं, निफ्टी और बीएसई से कंपेयर करते हैं, वो लगभग 14% का ग्रोथ रेट दिया। लेकिन वहीं InfoEdge ने अपने शेयर होल्डर्स को 32% का एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। कंपनी जब लिस्ट हुई थी लगभग 150 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई थी, और आज के समय में हम देखते हैं तो कंपनी का जो प्राइस है दोस्तों, वो 5000 के आसपास है। लगभग 3200% का ग्रोथ कंपनी ने दिया है, और इस कंपनी के साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड करूँगा। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम कुछ कंपनी के सोसाइटी के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी देख लेते हैं। कंपनी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल नीड्स में जो बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड और अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड हैं उनके लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और छोटी जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं कंपनी ने कहाँ कहाँ कितना कितना अपना इन्वेस्टमेंट किया है और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें, जिससे कि ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक समय समय पर पहुँचती रहें।